सब्सक्राइब कीजिए नेट सीखो सिखाओ और दबाएं नोटिफिकेशन बेल ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विनोद, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नेट सीखो सिखाओ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको VPN एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप भी ज़्यादातर इंटरनेट यूज करते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नेट सीखो सिखाओ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं VPN का मतलब क्या होता है। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों VPN का बेसिकली यूज हमें क्यों करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं VPN एप्लीकेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है और हमें क्यों यूज करना चाहिए। दोस्तों VPN एप्लीकेशन का यूज हम हैकिंग करने के लिए भी करते हैं और हैकिंग से बचने के लिए भी करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हम कहीं पर भी इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें एक IPS एड्रेस मिलता है। उस IPS एड्रेस द्वारा हमें पता लगाया जा सकता है कि हम कहाँ से इंटरनेट बैठकर यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और आप चाहते हैं आपका IPS एड्रेस वो ना देख पाए तो फिर आप अपने IPS एड्रेस को हाइड कर सकते हैं, किसी और कंट्री का IPS एड्रेस हम दिखा सकते हैं इस VPN एप्लीकेशन द्वारा। अगर आप VPN एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको जल्दी कोई हैक नहीं कर पाएगा। तो ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का फ़ायदा। दूसरे नंबर पर फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में कोई ऐसी वेबसाइट है जो इंडिया में बंद कर दिया गया है और बाकी सारी कंट्रियों में चल रहा है, उस वेबसाइट पर आप इंडिया में बैठकर भी विजिट कर सकते हैं, बस आपको अपना VPN नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिकली हमें इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और सर्च बार में टाइप करना है VPN, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप VPN लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी VPN नाम का। तो यहाँ पर आपको पाँचवें नंबर पर दिखाई दे रहा है सिक्योर VPN, ये हाई स्पीड अल्ट्रा सिक्योर, इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। तो इस एप्लीकेशन को मैं पहले से फ़ोन में डाउनलोड कर रखा हूँ तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हमने एप्लीकेशन को ओपन किया है तो यहाँ पर कुछ टर्म एंड सर्विस दिखाई दे रहा है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे आपको एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सपर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेटवर्क चेकिंग सेटिंग दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेकिंग हो रहा है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ऊपर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपको ट्रिपल लाइन दिखाई दे रहा है, एक जो है आपको गोल सा सर्कल दिखाई दे रहा है। तो आपको गोल से सर्कल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंगापुर दिखाई दे रहा है, फ्रांस दिखाई दे रहा है, एंड्स दिखाई दे रहा है, जर्मनी दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको 6 सर्वर दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री सर्वर है, इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में कोई ऐसी वेबसाइट है जिसे इंडिया में बंद कर दिया गया है और बाकी सारी कंट्रियों में चल रहा है, तो उस वेबसाइट पर आप इंडिया में बैठकर भी विजिट कर सकते हैं, बस आपको यहां से सर्वर को सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पर आपको 6 सर्वर आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। साइड में आपको फास्टेस्ट सर्विस दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्वर दिखाई देंगे, पर इस सर्वर के आपके कुछ पैसे लगेंगे। जैसे कि मैं जर्मनी को यहाँ ओपन करता हूँ तो जर्मनी का आप देख सकते हैं वीकली प्लान जो है इनका है 500 रुपये का, या मंथली प्लान है 820 रुपये का, यहाँ पे एनुअली प्लान है इनका 4900 रुपये का। तो अगर आप प्लानिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाय द वे आप फ्री भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको यहाँ फ्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर किसी भी सर्वर से कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिंगापुर को, तो यहाँ पर ये ओके करने के लिए बोल रहा है तो मैं ओके कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है। अब हम किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हमारा जो IPS एड्रेस है वो हाइड हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप VPN एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको समझ में आई या फिर नहीं आई हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।